नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम देखिए हिस्ट्री का सेक्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 से जो है 19 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में बोलते हैं, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो कलिंग का युद्ध था, ये कौन से वर्ष में हुआ था? देखो, जब भी हमने अशोक के बारे में रिवाइज किया है, तो अशोक के बारे में हमने कलिंग का वार जो था वो ज़रूर पढ़ा है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ कब था। ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व, यानी कि 261 BC में जो था ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि अशोक ने जो था वो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद, यानी कि जब उसका 9वां वर्ष चला हुआ था राज्य में, तो उसने 261 ईस्वी पूर्व जो था वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक के हिस्ट्री में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर बाद में चलकर अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसको करने के लिए अपने अलग अलग स्थानों पर जो था वो धर्म प्रचारक भेजे थे। तो उसने जो था वो अलग अलग स्थानों पर जब भेजे थे, तो हिमालय की ओर उसने मझिम को भेजा था, श्रीलंका की ओर उसने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, महाराष्ट्र की ओर उसने जो था वो महाधर्म रक्षित को भेजा था। तो ये दो तीन नाम भी आप साथ में जोड़ लीजिए। और कलिंग का वार मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक के कार्यकाल में, वो आपने ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुप्त रूलर का नाम बताना है जिसने जिसने जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि जो था वो धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो गुप्त रूलर था वो कौन सा था? 20 क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2 के द्वारा जो था वो विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम किया गया था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन एक गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछ जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त 2 की ही बात की जाए अगर स्पेसिफिक रूप से, तो चंद्रगुप्त 2 के बारे में एक तो इसने कौन सा टाइटल एज्यूम किया था? विक्रमादित्य इसने टाइटल एज्यूम किया था। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो एक चीनी यात्री के द्वारा यात्रा भी की गई थी भारत की, उसका नाम था फायान। फायान के द्वारा जो था वो चीन इसके कार्यकाल जो चंद्रगुप्त 2 था इसके कार्यकाल के दौरान यात्रा भी की गई थी। चंद्रगुप्त 2 के कार्यकाल के दौरान जो था वो कालिदास हो गया, अमर सिंह हो गया, बेताल भट्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो था वो इम्पोर्टेंट विद्वान जो था यहाँ पर निवास करते थे, विद्वान यहाँ पर जो था वो हुआ करते थे, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है। उससे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में देख लीजिए। अगर आप HP कलर सेक्रेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 21 क्वेश्चन नंबर में, बोलते हैं विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट शिवा एट एलोरा। तो शिव का कैलाश टेम्पल जो था वो एलोरा में किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट साम्राज्य जो राष्ट्रकूट शासक था उसका नाम आपको बताना है। इसका नाम था कृष्णा फर्स्ट के द्वारा जो था वो, कृष्णा पहले जो थे इनके द्वारा जो था ये कैलाश में जो था वो कैलाश टेम्पल बनवाया गया था एलोरा में। भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। पहले तो राष्ट्रकूट वंश की हम बात करेंगे। अगर राष्ट्रकूट वंश की बात की जाएगी तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग ने जो था वो इसकी स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट जो था इसके कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रकूट वंश में जो था वो अलग अलग शासक हुए। कृष्ण प्रथम ने जो था वो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इनको गुहा मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर जो था वो इन्होंने बनवाए थे, ये आप ध्यान रखिए। और आपने ध्यान रखना है कि एक अमोघ वर्ष करके एक राष्ट्रकूट शासक था, ये काफ़ी महान शासक माना गया और इसने बाद में चलकर जैन धर्म को भी जो था वो अपनाया था, जैन धर्म का ये अनुयायी बन गया था। तो यही राष्ट्रकूटों के बारे में 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये आप ध्यान रख लीजिए। इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णा फर्स्ट के बारे में और अमोघ वर्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इन 1528 हु डिफीटेड द राजपूताज एट चंदेरी। तो बोलते हैं कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? अगर चंदेरी में राजपूतों को हराने की बात की जाए वो भी 1528 में, तो वो किसके द्वारा हराया गया था? बाबर के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर। अगर बाबर की ही बात की जाए तो बाबर ने क्या किया था? पानीपत की पहली लड़ाई,
ये बाबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो लड़ी गई थी। अब पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की 1526 में लड़ी गई थी। उसके बाद 1528 में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। और चंदेरी के युद्ध में तो राजपूतों को किसने हराया था? ये हराया था राजपूतों को बाबर ने। इसी तरह 1528 के बाद 1529 में जो था वो एक घाघरा का युद्ध भी हुआ था। घाघरा का युद्ध भी आपने ध्यान रखना है, बाबर का ये अंतिम युद्ध जो है वो माना जाता है। और इसके बाद 1530 में जो था वो आगरा में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बाबर था उसको कहाँ पर दफनाया गया था, तो देखो बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, परंतु बाद में इसे जो था वो काबुल में इसी के द्वारा चुने गए स्थान पर जो था वो दफनाया गया था। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है, बाबर के बारे में। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड रामायणा इंटू पर्शियन। तो रामायण को जो था वो फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था? रामायण को फारसी में ट्रांसलेट करने की अगर बात हो रही है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बदायूनी इसका सही आंसर होगा। इसके द्वारा जो था वो रामायण को पर्शियन में जो था वो ट्रांसलेट किया गया था। अगर ट्रांसलेशन की ही बात हो रही है तो आपको पता है कि ज्वालामुखी का मंदिर जो फिरोज शाह तुगलक को प्लंडर किया गया था वो भी जो था वहाँ से ज्वालामुखी के मंदिर से बहुत सारे ग्रंथ उठाए गए थे और उनको भी जो था वो फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया था। इनको फिरोज शाह तुगलक ने ट्रांसलेट करवाया था और खलीद खनी ने जो था वो ट्रांसलेट किया था। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में जो था वो प्लंडर किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रविश। तो बोलते हैं किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट रद्दी के ढेर में फेंक देनी चाहिए? ये किसके द्वारा कहा गया था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को रद्दी के ढेर में फेंक दो? ये कहा गया था शिव स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन बी जो है उसका आंसर है। अब शिव स्वामी अय्यर के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। साइमन कमीशन जो था इसकी नियुक्ति की घोषणा जो था वो 1927 में कर दी गई थी। 1927 में तो इसकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी, परंतु 1928 में जो था वो साइमन कमीशन भारत में आकर पहुंचा था और बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी किया गया था। और जब विरोध कर रहे थे तो इस दौरान एक घटना हुई थी, इस दौरान जो था वो लाला लाजपत राय जो था ये भी विरोध कर रहे थे। अब जब भीड़ में विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तो लाठीचार्ज में जो था वो लाला लाजपत राय काफ़ी घायल हो गए थे। और उसके बाद जो था इसी घायल होने के कारण जो था इनकी बाद में चलकर मृत्यु भी हो गई थी, जो कि उस टाइम बहुत बड़ा झटका जो था वो एक जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको लगा था। आपने सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे भी जो था वो उस दौरान लगाए गए थे। 1927 और 1928 की बात की जाए तो 1927 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और एम ए अंसारी जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। परंतु 1928 का जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन दोनों सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये कब हुए थे, ये भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि द ऑथर ऑफ श्री भाष्य इज, तो श्री भाष्य का ग्रंथ है इसके रचना जो था वो किसने की थी? इसकी रचना था इसके रचयिता जो था वो थे रामानुज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कुमार संभवम ग्रंथ जो है वो कालिदास के द्वारा रचा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, ये सारे ग्रंथ जो हैं वो कालिदास के द्वारा ही रचित हैं। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, ये पाणिनि के द्वारा जो है वो रचा गया है। हर्षचरित एक ग्रंथ है, ये बाण भट्ट के द्वारा रचा गया है। नागानंद और रत्नावली ग्रंथ जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा रचे गए हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ जो कि HS में बहुत बार पूछा गया है या फिर एलाइड में भी एक आध बार पूछा गया है, तो राजतरंगिणी जो है वो कलहन के द्वारा जो है वो रचा गया है। तो इन ग्रंथों के नाम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं इस तरह के ग्रंथ एग्जाम के लिए। अगर आप रामानुज की बात करेंगे तो रामानुज के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि रामानुज के जो शिष्य होते थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद के शिष्य जो था वो कौन होते थे? रामानंद के शिष्य होते थे कबीर। तो रामानुज, रामानंद, कबीर, ये भी साथ में आप कवर कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन, बोलते हैं सिख गुरु हु किल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब वॉज, तो उन सिख गुरुओं का नाम बताइए, उन सिख गुरु का नाम बताइए जिनकी हत्या औरंगजेब के कहने पर की गई थी, औरंगजेब के ऑर्डर पर की गई थी।
124 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर की हत्या जो था वो औरंगजेब के कहने पर की गई थी। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताना। औरंगजेब ने जो था वो हिमाचल के एक ऐसे राजा को आदेश दिया था कि अपने रियासत के सारे मंदिरों को जो है वो तुड़वा दे। अब ये कौन सी रियासत के राजा को आदेश दिया गया था और उस राजा का क्या नाम था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। पहले तो हमने डिस्कस किया ही है, अगर आपको नहीं पता तो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का जो नाम था ओरिजिनली वो था मईयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मईयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब जो था वो इसका नाम था। और औरंगजेब के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। इसमें जो था खजवा की लड़ाई, देवराई की लड़ाई, शामुगढ़ की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई। ये लड़ाइयाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना याद मत रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। 125 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनास फ्रॉम, बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली थी, किससे मिली थी? ये आपने ध्यान रखना है कि ये मिली थी चांद साहिब से। चांद साहिब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आप डाउट मत रखिएगा, क्योंकि मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर आपको बताए हैं। यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, बस इतना ही याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 126 क्वेश्चन में, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया, तो बोलते हैं दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुगल शासक जो था वो कौन था? अगर पहले मुगल शासक की बात करें तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब आप कहें मुस्लिम शासक यहाँ पर पूछा गया है, नीचे मुगल ट्रांसलेशन में गलत दे दिए, तो मुगल नहीं, यहाँ पर मुस्लिम ही होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने साउथ इंडिया को कंकर किया था वो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका बचपन का नाम जो था वो गुरशास्प था, और इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो अमीर खुसरो भी हुआ करते थे। इसने जो था अपने महान योद्धा मलिक काफूर के साथ जो था वो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। चित्तौड़ की लड़ाई आपको पता होगा, राजा रतन सिंह के साथ हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की इसमें जीत हुई थी। तो यही सब है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और खिलजी वंश की स्थापना की बात की जाए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको ये भी ज्ञात ही होगा कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जो था वो की गई थी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 127 क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सत्याग्रह आश्रम वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय, ये जो सत्याग्रह आश्रम था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बात करने को तो बहुत कुछ है। अब महात्मा गांधी के बारे में आप एक बात याद रखिए कि महात्मा गांधी जो था वो जनवरी 9, 1915 को जो था वो क्या आए थे? इंडिया वापिस आए थे। अभी जब जनवरी 9 को वापस आए थे तो जनवरी 9 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये जनवरी 9 को जो है वो मनाया जाता है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को आपको पता है कि नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है, और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी को जो था वो हुई थी, और 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर ये लॉयर की पढ़ाई के लिए जो था वो बाहर भी गए थे। खैर इतना ही इनके बारे में याद रखिए। इनके जो इनिशियल मूवमेंट थे वो था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में जो था ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1915 में, इन आंदोलनों में जो था वो भाग लिया था। तो ये सारे के सारे आंदोलन भी जो है वो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फिर बाद में चलकर बन जाते हैं आपके लिए जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस रिवाइज करना है इनके बारे में भी। और बाकी देखो आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, आपके पास 113 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। कुछ टाइम में पिन कर दिया जाएगा तो वहां से इसका आंसर देख लेना आप। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी, आंसर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आप वीडियो को क्लोज करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों को नहीं पता कि जो आने वाला HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा पेपर आता है वैसे 10 पेपर मिलेंगे। HPGK के अलग से 5 टेस्ट मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्लर्क के जो है वो भी 5 पेपर मिलेंगे, और फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप अच्छे से जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जो है इसका लिंक जो है हमने नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, और टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा।
टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, @ALEXAM31, वहाँ से इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,800-900 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। यही था इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।